नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी खास प्रस्तुति शनि का राशि परिवर्तन क्या करेगा कर्क राशि का हाल, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए अब जानते हैं आज का खास हमारा जो विषय है वो क्या है। वो ये है शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और क्या होगा कर्क राशि का हाल। हर जीवन के एस्पेक्ट को हम बताएंगे, हेल्थ से लेकर वेल्थ, वेल्थ से लेकर लव लाइफ, लव लाइफ से लेकर पारिवारिक जीवन, शादीशुदा जीवन, सेक्सुअल लाइफ, करियर, प्रमोशन, इनकम, सभी चीज़ों को देखेंगे। आइए जानते हैं कैसा रहने जा रहा है आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन। बताना चाहूँगा आपको कर्क राशि वालों, शनि का राशि परिवर्तन आपके सातवें भाव में होने जा रहा है। शनि वर्तमान में धनु राशि में थे और आपके लिए शनि 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में आने वाले हैं। 24 जनवरी 2020 शुक्रवार को दोपहर को 12:30 पर शनि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण को छोड़कर दूसरे चरण में आ जाएंगे और आपके लिए ये शुभ संकेत होगा। लेकिन हर चीज के साथ में अच्छाई और बुराई भी होती है। शनि अपना असर दिखाना जो शुरू करेंगे वो अपनी अस्त अवस्था को त्यागने के बाद करेंगे। शनि की अस्त अवस्था रहेगी 1 जनवरी 2020 बुधवार शाम को 6:24 से लेकर 2 फरवरी 2020 रविवार सुबह 6:09 तक। 32 दिनों के लिए शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, अस्त अवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ में आपको यह भी बताऊंगा शनि सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आपके मेंटल एस्पेक्ट, और आपके लिए वह डिसीजंस गलत हो सकते हैं और सबसे ज्यादा तब होंगे जब शनि जो हैं वक्री हो जाएंगे। और ये तब होंगे 11 मई 2020 सोमवार सुबह 9:39 से लेकर 29 सितंबर 2020 मंगलवार को सुबह 10:40 तक। लगभग 142 दिन के लिए शनि वक्र अवस्था में हो जाएंगे और तब सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से आपको परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष होता है। शनि की दृष्टि सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगी आपके भाग्य को लेकर, और परेशान करेगी आपकी मानसिक स्थिति को लेकर, और परेशान करेगी आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, एक बाय एक कर बात करेंगे आपके जीवन में आपकी हेल्थ, मानसिक स्थिति, घर परिवार, सभी चीज़ों को लेकर। शुरुआत करते हैं आपकी मानसिक स्थिति, आपकी साइकोलॉजी और आपकी हेल्थ के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन आपके सातवें भाव में होने जा रहा है, जिसकी पूरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और चंद्रमा और शनि आपस में बिल्कुल अजात शत्रु कहलाते हैं। आपस में मिलकर के विष दोष का निर्माण करते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति में ये आपके लिए हो सकती है, इसलिए आपको अपनी साइकोलॉजी का पूरा ध्यान रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको किसी भी सूरत के अंदर अपने आप नहीं लेना है, पूछकर समझदारों से और उन लोगों से जो एक्सपीरियंस हैं कोई भी डिसीजन लेना है। आप में गुस्से की बहुत अधिकता रहेगी और आप में खिन्नता भी आ जाएगी। इसके लिए आपको सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है, और इस कारण से आपको एक बात को बिल्कुल गिठान मान लेनी है कि किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आपको अपने जीवन साथी से बात करते हुए भी बहुत और बहुत समझदारी बरतनी है कि आपको उनसे कटुता से बात नहीं करनी है। 7/7 के अंदर सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या आपको रह सकती है, और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ सकती हैं और आप अक्यूट डिजीज से आपका सामना भी हो सकता है। बिल्कुल मायूस नहीं होना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बात करते हैं आपके धन की, और बात करेंगे 7/7 के अंदर आपके सुखों की। सूर्य के साथ में शनि के संबंध अच्छे नहीं होते, धन में भी कमी आ रही है और सुख में भी कमी आ रही है। ये दो एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने पैसों पर ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आपके छोटे भाई बहनों की, प्लस आपके पराक्रम की और सामाजिक आपके नाम की या बदनामी की। बुध के साथ में बहुत अच्छे संबंध होते हैं शनि के, तो आपका नाम बढ़ेगा, आप खूब फेमस हो जाएंगे, आपके भाई बहनों का उद्धार भी होगा।
शनि अपनी दृष्टि बिल्कुल नहीं डाल रहे इस भाव पर। सात बसात के अंदर आप फेमस भी हो जाएंगे, इस बात में विशिष्ट आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके माता की, बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की और पारिवारिक सुख की। शनि की दसवीं दृष्टि आपके इस घर पे पड़ रही है, हालांकि शुक्र आपके साथ में सम संबंध रखते हैं लेकिन आपके कुंडली के बाधक भी हैं। शनि के साथ में भी शुक्र के बहुत श्रेष्ठ संबंध होते हैं लेकिन शनि की दृष्टि, दसवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, इसलिए पारिवारिक कष्ट होने की संभावना है। कहीं ना कहीं घर में मनमुटाव की स्थिति होगी, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हो सकता है आपकी माताजी और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ संबंध जो है वो कटु हो जाए। संभवता ये भी है कि आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ चोरी की वारदात भी हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना है इस बारे में। आपकी माता का स्वास्थ्य भी पहले की अपेक्षा से बहुत डाउन हो जाएगा, इसके लिए भी आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। सात ब सात के अंदर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है उसका बिल्कुल मत सोचिएगा आने वाले ढाई सालों तक, अन्यथा वो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं देगी क्योंकि चौथा भाव आपका बहुत ज़्यादा हाइपर हो रखा है। सात ब सात के अंदर एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है, अपने पारिवारिक माहौल को बहुत शांत बना के और बहुत सौम्य बना के रखना है। बात करते हैं आपके बच्चों की, आपकी लव लाइफ की, आपकी एजुकेशन की। शनि मंगल से वैसे विषम संबंध रखते हैं लेकिन मंगल पर शनि कुदृष्टि नहीं बना पाते, इसलिए आपकी लव लाइफ बहुत एक्साइटिंग रहेगी, आपके जीवन में प्रेम का संचार होगा और आपका नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, बशर्ता आपको एक बात करनी चाहिए। मंगल कामुकता को दर्शाने वाला प्लैनेट है, इसलिए कोशिश ये करें कि अपने पार्टनर के साथ में आप वफादार रहें। सात बसात के अंदर एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, वो ये ध्यान रखें कि अपने बच्चों की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, मंगल कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित रोगों को दे सकता है। एक विशेष बात और आपके लिए, वो ये कि आपको एक बात के बारे में बहुत और बहुत स्पेसिफिकली समझना होगा, वो ये समझना होगा कि आपको एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी से आप काम करेंगे जिससे आपको सक्सेस बहुत मिलेगी। बात करते हैं आपके बीमारियों की, आपके शत्रुओं की और कोर्ट केसेस की। जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ शनि संबंध रखता है और शनि की दृष्टि से परे है, इसलिए आपके शत्रुओं का बिल्कुल दमन होगा लेकिन कुछ शत्रु गुप्त रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ब साथ में ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूरी बनाए रखें या ऐसे लोगों से निश्चित संबंध बनाएं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो अपंग व्यक्ति हैं, तो अपंगों की सेवा ज़रूर करें लेकिन उनसे आर्थिक लेन देन बिल्कुल ना करें, शत्रुओं का दमन होगा। लेकिन आपको केयरफुल रहना है एक चीज़ के लिए, लिवर और किडनी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। बात करते हैं आपके दाम्पत्य संबंधों की, आपके मैरिड लाइफ की, आपके बिजनेस पार्टनरशिप की। सात बसात के अंदर आपकी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप की, शनि का आपके साथ में भाव में बैठना, स्वराशि में बैठना आपके लिए सुपर वाली स्थिति बनाता है। पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, बिजनेस पार्टनरशिप के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, जीवन साथी के साथ में रसिक संबंध बनेंगे, जीवन साथी आपका पूरा साथ देगा बशर्ते आप उनसे थोड़ा सा इरिटेट महसूस करेंगे। अपने जीवन साथी को प्यार दीजिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन में सुख और मिठास जरूर मिलेगी। सात ब सात के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बात करते हैं आपके आयु की, सात ब सात के अंदर आपके एक्सीडेंट्स की, तो ये जो टाइम है ये आपको ध्यान रखना होगा, एक्सीडेंट से भी आपका बचाव होगा और आपके फिजिकल सुखों में भी बढ़ोतरी की बहुत अच्छी संभावना बनती है, बशर्ता आपका मन आपके काबू में रहना चाहिए। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि काली गाड़ी, अगर किसी भी तरीके का फोर व्हीलर या टू व्हीलर आप ड्राइव करते हैं तो उससे परहेज बनाकर ज़रूर चलें। बात करते हैं आपके लक फैक्टर की, हालांकि बृहस्पति के साथ सम संबंध रखते हैं शनि लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, ये बैड लक का टाइम है, किस्मत बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। कोशिश ये कीजिए कि शनि को मनाने का प्रयास कीजिए, आप जो भी काम करेंगे उसमें अड़चनें ज़रूर आएंगी और साथ ब साथ में अड़चनें एक केस में और आ सकती हैं, वो ये है कि आपके लक जो फैक्टर है वो आपका काम करना बंद कर देगा, कहीं ना कहीं आपके फादर के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आपके फादर के पीछे आपको खर्चा जरूर करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बात करेंगे अब आपके फादर की, आपके प्रोफेशन की, सात बसात के अंदर आपके करियर की। मंगल से शनि विषम संबंध रखता है लेकिन मंगल से दब जाता है और शनि की दृष्टि आपके दसवें भाव पर नहीं पड़ रही,
ये समय है एक्सेलेंट प्रोफेशन का, आप प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। साथ ब साथ के अंदर ये समय है प्रमोशन प्राप्त करने का भी, लेकिन सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी मानसिक स्थिति पर। अगर आपका मानसिक स्थिति अच्छी है तो आप अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छा बढ़ा पाएंगे, आपका प्रोफेशन भी आगे बढ़ेगा, आपका करियर भी आगे बढ़ेगा। साथ ब साथ के अंदर आपको अपने फादर की जरूर सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा, फादर के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे, आपको संभवतः फादर से मदद भी मिल सकती है। बात करते हैं बड़े भाई बहनों की, साथ ब साथ के अंदर बात करेंगे हम यहाँ पर आपके इनकमिंग रिसोर्सेस की और आपके जीवन साथी के करियर की भी। देखिए शुक्र के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं शनि के, और आपका यह हाउस जो है वो रेडिकल फ्री है, बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं, आपकी इनकमिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जो बिजनेसमैन हैं उनकी दैनिक इनकम भी बहुत अच्छी बढ़ सकती है। साथ ब साथ के अंदर ये भाव आपके बड़े भाई बहनों को भी संबोधित करता है, जिसके कारण आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है अपने बड़े भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों की किस्मत भी बहुत अच्छी चलेगी और आपकी जेब भरी रहेगी खचाखच। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके खर्चों को आपको काबू में रखना है। अब बात करेंगे आपके एक्सपेंसेस की, आपकी हानि की, आपकी खर्चों की और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन चीज़ों की, साथ ब साथ के अंदर आपके बेड एंड इट्स को रिलेशनशिप की। बुध के साथ में शनि बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, तो आपकी पार्टनर की ओर से आपको बहुत सारा रोमांस मिलेगा, बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपकी बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। साथ ब साथ के अंदर आपके खर्चों में भी कटौती संभव है और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, नसों से संबंधित, नव से संबंधित और दांतों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। साथ ब साथ में स्किन प्रॉब्लम से आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, गंदे पानी का इस्तेमाल या गंदे पानी से अगर आप किसी भी पिकनिक साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर बरसाती पानी से आपको थोड़ा सा परहेज बना कर चलनी है, और अपने घर की साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हॉस्पिटल्स के बिल भी कम होंगे, दवाइयों के बिल भी कम होंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और साथ ब साथ के अंदर आप प्रोग्रेस भी बहुत करेंगे। तो मित्रों आपसे फिर मुलाकात होगी सिंह राशि के साथ। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।